इनफैक्ट भाई इसकी जो अलॉयज है ना, ये मेन अट्रैक्शन है इस कार का भाई, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। सिर्फ भाई वन टच करना है जो पेडल शिफ्टर, इसको एक बार जिसको डाउन शिफ्ट में करके, अब सुनो स्पोर्ट्स ड्राइव मोड, स्पोर्ट्स ड्राइव मोड में कार आ चुकी है। ये जान बुझ के ना मजाक चल रही है, वो देखो वो रही स्कॉर्पियो एन भाई, वो रही स्कॉर्पियो एन, और ये रही सफारी। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड वेलकम टू अ फ्रेश न्यू व्लॉग। भाई पहले तो भाई को बधाई हो, भाई को मैंने बोला था लास्ट टाइम, आप सबको याद होगा जब अपन 15 प्रो अनबॉक्सिंग कर रहे थे, उस दिन हमने बोला था कुछ न्यू आ रही है, मतलब दिवाली की सफाई के साथ नई नई सफारी। भाई जस्ट हैव अ लुक, दिस इज द ऑल न्यू सफारी फेसलिफ्ट वर्जन, वो भी भाई ब्लैक कलर, सबसे टॉप मॉडल है भाई, बाकी देख सकते हो भाई ओवरऑल इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम है। भाई मैं फर्स्ट ऐसी कार ड्राइव कर रहा हूँ जो मुझे लग रही है भाई ये बहुत ही लंबी कार है भाई। इसका आप आगे बोनेट देखो भाई कितना आगे है, मतलब ड्राइव करने में ना डर सा लग रहा है, सिटी में ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बाकी भाई से पूछते भाई इसने अभी लगभग इसको वाराणसी से यहाँ तक लेकर आया भाई, कितना मजा आया राइड करने में इसको बताओ। मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ना, हमको मिल ही नहीं रहा है भाई, ये बात हो रही है। दिक्कत क्या ना भाई, मतलब घर वाले भी बोल रहे ड्राइवर को ही चलाने दो क्योंकि बहुत बड़ी कार है, तो थोड़ा सा ना डर लगता है भाई, और ऊपर से नई कार है तो थोड़ा ज्यादा डर लगता है। बाकी देख सकते हो माले वाले लगे भाई, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। बाकी इसका ये वाला जो चीज है ना भाई, ये बिल्कुल अलग ही से लग रहा है भाई, देखो फोटोज वीडियोज में काफी डिफरेंट लगता है, बट सामने से ये ना काफी अच्छा लग रहा है देखने में। बाकी भाई कैमरा वैमरा देख लो, मतलब पूरा 360 कैमरा एंड ऑल भाई, काफी ना फ्यूचरिस्टिक कार लग रही है भाई। ऊपर से भाई इसका जो पैनोरमिक सनरूफ है भाई, मैं ना व्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान ना कार से हट नहीं रहा क्योंकि इतनी प्रीमियम और इतना अच्छा फील दे रही है कार। बाकी भाई इतना बड़ा सा इसका देख सकते हो ये डिस्प्ले है यहाँ पे भाई, इंफोटेनमेंट सिस्टम का डिस्प्ले चेक करो भाई, और टच रिस्पॉन्स क्या स्मूथ है भाई, मस्त, मतलब नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल। चलो अभी लेके चलते इसको भाई एक अच्छे से ओपन लोकेशन पे, वहाँ पे आपको इसका बाहर से एक बार वॉक अराउंड चेक कराते हैं। सो गाइस हियर वी हैव द ऑल न्यू सफारी भाई, देख सकते हो फेसलिफ्ट वर्जन, और ये रहा इसका भाई एक रिमोट कुछ इस तरह का भाई दिख रहा है, जस्ट हैव अ लुक भाई, ऐसा यहाँ पे टाटा का बैजिंग आता है, इसको भी अपन लॉक करके दिखाते हैं भाई, जस्ट हैव अ लुक भाई। इसके DRLs ना भाई इतने सुंदर लग रहे हैं भाई, क्या ही दिख रहे हैं, ये कार ना बिल्कुल जहर लग रही है। ऊपर से भाई ब्लैक एडिशन, ब्लैकआउट है पूरी की पूरी। टायर देख लो भाई, ये चेक करो एक बार टायर, और इसके जो अलॉयज है ना भाई ये बिल्कुल डिफरेंट है, अभी तक मैंने भाई टाटा के किसी कार में ऐसे अलॉयज नहीं देखे। इनफैक्ट भाई इसकी जो अलॉयज है ना, ये मेन अट्रैक्शन है इस कार का भाई, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जस्ट है ब्रो, काफी बड़ी सी कार लग रही है भाई। और इधर देख सकते हो, मैं आपको एक बार चेकआउट कराता हूँ भाई, ये देख सकते हो इसका जो बैक टेल ने पूरा इंटीग्रेटेड दिया गया, यहाँ से पूरा यहाँ तक कनेक्टेड है भाई ये पूरा टेल लाइट। तो अभी इसको देखो, जैसे हमने लॉक कर दिया भाई, इसके पीछे का जो ये देखो लाइट्स कैसे दिख रहे हैं भाई, बहुत ही सुपर, मतलब बिल्कुल अलग ही लग रहे हैं भाई। कैसा फील हो रहा है भाई इस कार को लेकर, ये बताओ। मजेदार ना, मतलब देखो इसके पास थार भी पड़ी, थार के बाद अगर देखा जाए थार और इसका कोई कंपैरिजन है नहीं, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूँ एक जब काली कार थी तो फिर दूसरी काली कार कैसे मेंटेन करोगे, ये बता। काला का जो चस्का लग जाता है ना, हाँ वो कभी मतलब मिट नहीं सकता है ना, काला का काला से ही मिटेगा। तो ये होता है भाई ब्लैक कार का मजा अलग होता है। बाकी भाई कार देख लो कितनी लंबी और कितनी ह्यूज लग रही है। तो अब भाई बातें कम करते हैं, सीधा ड्राइव फील कराते हैं भाई। देखो बात करने को मतलब है नहीं, यहाँ पे देख सकते हो सफारी की बैजिंग की गई है, तो बिना लेट के अब सीधे बैठते हैं कार के अंदर और दिखाते हैं आपको इसका ड्राइव फील। एंड जस्ट हैव अ लुक, डार्क एडिशन, मतलब जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन है भाई वही कार है, डार्क एडिशन 2024 ऑल न्यू सफारी। सो गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं कार के अंदर भाई, और भाई अभी कार है ड्राइव मोड में, बट इसको स्पोर्ट्स मोड में डालना बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ भाई वन टच करना है जो पेडल शिफ्टर, इसको एक बार जिसको डाउन शिफ्ट में करती है। अब सुनो स्पोर्ट्स ड्राइव मोड में कार आ चुकी है, एक्टिवेट हो चुकी है, थोड़ा खींच कर देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आ रही है कार की। भाई साहब मुझे ना खींचने में डर लग रहा है ऐसे रोडों पे, कार जो है वो 100 क्रॉस कर चुकी है और भाई बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है। सबसे बड़ा रीजन है ना इस कार का व्हील बेस काफी बड़ा है, जिसकी वजह से ना भाई ड्राइव फील काफी कंफर्टेबल हो चुकी है एंड ड्राइव करने में भी मजा आ रहा है। बाकी भाई देखो स्पोर्ट्स मोड में ना भाई एक अलग ही फील आता है इस कार का, कोई भी अगर कार जिसमें मोड्स देते हैं ना, स्पोर्ट्स मोड, ड्राइव मोड, अलग अलग मोड्स, तो हर ना अलग अलग में अलग अलग डिफरेंस जरूर आता है। बाकी इसका तो अलग ही डिफरेंस है भाई, क्योंकि इसमें ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि भाई कार बहुत ही ज्यादा बड़ी है, बहुत ही बल्की है, अपनी वर्टेज जो है वो भाई लंबी है, बट ये लंबी के साथ साथ बल्की भी काफी ज्यादा है और SUV है, तो भाई थोड़ा ना खींचने में डर लगता है मुझे, बट फिर भी ये थोड़ा सा खींचते हो, ये चेक करो भाई नेक्स्ट लेवल ड्राइव फील है भाई, नेक्स्ट लेवल बिल्कुल। बाकी 100 तो ऐसे जाती है ना भाई पता ही नहीं चलता है एकदम, बिल्कुल भी नहीं,
बाकी इसमें भाई आपको इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिलते हैं ना भाई, मैंने गूगल वूगल नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं है, तो ये सब भाई आप लोग बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस होंगे, बहुत सारी चैनल होगी, उस पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो क्या पावर फिगर्स है एंड ऑल। बाकी भाई वो सब ना वो अलग चीज है भाई, वो अलग रहने देते उसको। बाकी हम लोग आते हैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे, क्योंकि भाई देखो रियल लाइफ एक्सपीरियंस ना बहुत अलग होता है। आप कोई भी चीज पेपर पे पढ़ रहे हो भाई, इसमें इतनी पावर है, इसमें ये है, इसमें ये फीचर्स है, और रियल में उसको फील करना दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होता है। थोड़ी देर आप ऐसे छोड़ दोगे, इसके पेडल शिफ्टर को यूज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी कार है वो चली जाती है सिटी ड्राइव मोड में। ये सारी चीज देख सकते हो यहाँ पे, बस ये जो टेम्परेचर वाला ना इसको, और ये फैन वाला और ये टेम्परेचर वाला, देखो मतलब ये जो है ना बस ये चीज यहाँ पे आपको दिया गया है बटन वाला, टॉगल बटन की तरह। बाकी सब कुछ टच है भाई, पूरा टच सिस्टम है, ये देख सकते हो। ये जो इनका इंफोटेनमेंट है ये भी पूरा टच है। ड्राइव फील नेक्स्ट लेवल भाई, मैं अभी लगभग इसे 15-20 किलोमीटर ड्राइव किया हूँ, और 15-20 किलोमीटर में ना भाई लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है, देखो स्कॉर्पियन वाले भी घूम घूम के देख रहे भाई। अच्छा ये तो अपना फ्रेंड ही निकल गया, ये तो दिक्कत है भाई, दोस्त लोग मिल जाते हैं हर तरफ से, ब्रेक नहीं मारा जाता है। देखो भाई को लग रहा है रेस नहीं कर रहे भाई, आराम से बस ऐसे ही बस ड्राइव करने आए थे। तगड़ा भाई, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत रोड प्रेशर इसका बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा भाई, व्हील भी इसका देखो, अलॉय देखो एक बार भाई, हम भी बोले रुक के, हम लोग यही देख रहे थे। चलो आगे रुकते आगे, स्कॉर्पियो से लग गई रेस, चेक करो भाई। आगे गाड़ी है, मैं रेस्ट नहीं लेने वाला बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक तो ये ब्रांड न्यू कार है भाई, इससे ज्यादा भगाने का रेस्ट मैं नहीं ले सकता। मैंने बोला ना भाई, देखो नंबर प्लेट ऐसी ना भाई, सारे लोग ना ऐसा नंबर प्लेट ले लिए कि कुछ कहना ही नहीं है भाई, गाड़ी छोड़ो नंबर प्लेट देख के समझ में आता कि अपने ही बंदे भाई। ये ना इसका तो अलग ही चलता है, इसका सीरीज ही अलग है। ये भाई अपना जो साहिल है ये सब यूपी पैसेंजर लेता है, हर चीज इसका यूपी पैसेंजर होता है, तो बिल्कुल अलग ही है भाई। मतलब नंबर कुछ भी हो भाई, बिहार में अगर आप यूपी पैसेंजर चला रहे हो ऑटोमेटिकली बिल्कुल अलग दिखती है। इसका भी यूपी पैसेंजर है, थार का भी यूपी पैसेंजर है। गलती से इसने ना भाई अमेज का ले लिया था बिहार में, है ना भाई, उसका क्या रीजन था भाई, वो झटकट के मतलब ऐसा कोई मन नहीं था, ऑल ऑफ सडन गाड़ी आ गई थी ना, तो जब ऑल ऑफ सडन कोई चीज आती है ना तो उसका बात ही कुछ और होता है भाई। लेकिन ये ऑल ऑफ सडन नहीं आई, ये थोड़ा प्लान वे में है ना, ये थोड़ा प्लान है। बाकी भाई इतनी बड़ी गाड़ी के लिए थोड़ा प्लान करना पड़ता है, वरना भाई मजा नहीं आएगा ना, फिर थोड़ा सरप्राइज सस्पेंस हर चीज होना चाहिए। वेटिंग पीरियड काफी ज्यादा था, लेकिन भाई का ऐसा सिस्टम था भाई, तुरंत मिल गया ना। यूपी पे पूरा सिस्टम है भाई का, मतलब तुरंत मिल गया गाड़ी भाई। अगर आप नॉर्मली जाओगे भाई, अभी इस पे बहुत लंबी वेटिंग चल रही है आप सबको पता होगा, तो चलो भाई आगे रुक के एक बार और, बाकी स्कॉर्पियन भाई पीछे, दोनों को एक साथ खड़ी करके देखते हैं भाई दोनों में से कौन सी गाड़ी बल्कि ज्यादा लग रही है ऑन रोड, रोड प्रेजेंस दोनों में कौन सी गाड़ी का ज्यादा आ रहा है भाई। दोनों एक साथ देख लो, ये लगा स्कॉर्पियो एन और ये रहा सफारी भाई, जस्ट हैव अ लुक, तो अब जाकर समझ में आ रहा है भाई। और ये लड़का रेस कर रहा था मेरे साथ, एक्टिव एक्टिव हो गया था ना भाई, दोनों एक साथ जब खड़ी है ना तब लग रहा है भाई। भाई इसका कितना पड़ा था ऑन रोड 27, मतलब 5 लाख रुपए का डिफरेंस है भाई। बाकी देख लो महिंद्रा और टाटा, इस चीज का डिफरेंस है। बाकी हाँ फीचर्स भाई बिल्कुल अलग है दोनों में, बाकी दोनों भाई चेकआउट कर लो भाई, क्या लग रही है तगड़ी, एक वाइट और एक ब्लैक, बाकी दोनों ब्लैक रहता ना भाई तो ब्लैक में शायद और भी बल्कि लगती है ना, ब्लैक ये देखो भाई, मतलब बोलो और गाड़ियाँ दिखती भाई, पटना में इतनी गाड़ियाँ हो गई ना भाई, लोग अब बाइक से ज्यादा कार ले रहे भाई। भाई लोग अभी मैंने नोटिस किया ना भाई इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे देखो SOS का और कॉल का कुछ दिया, पता नहीं ये क्या चीज़ है भाई, भाई मैं दबाने वाला नहीं है, पता चला कहीं कॉल वो लग गया। एक चीज़ मैं दिखाऊंगा भाई, पैसेंजर का जो एयर बैग वाला सीन है ना वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से ऑन और यहाँ से ऑफ का ऑप्शन है, तो यहाँ से अगर ऑफ होगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा, तो कुछ ऐसा लुक है भाई। इंटीरियर ना भाई काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी ज़्यादा, और अभी हमारे कुछ फ्रेंड आ रहे हैं तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएंगे फिर यहाँ से निकलते भाई, थोड़ा फोटो शूट वगैरह भी तो होना चाहिए नई गाड़ी का, क्या भाई देख रहे हो, चश्मा लेकर आया भाई अपना, पूरा प्लास्टिक भी नहीं उखड़ा अभी तक, देखो भाई फुल जोश में भाई, देख सकते हो भाई इंटीरियर का जो है ना ये वाला पार्ट पूरा ब्लैकआउट है ना, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक और भी बेहतरीन हो चुका है। और भाई यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग है जो कि आपको रात को ही देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे भाई, यहाँ पे एक अलग सा लाइन दिख रहा होगा आपको कलरफुल, तो ये आपको रात में देखने को मिलेगी, तो भाई रात को अलग कभी ड्राइव करने का मौका मिला तो उस दिन आपको दिखा देंगे। बाकी कुछ ऐसा लुक है, अभी चलते हैं बाकी लोग को आने देते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मोड चेंज करने का, ये रहा नॉर्मल, ये हमने यहाँ से चेंज किया, ये आ गया वेट मोड पे, इसको फिर हमने स्विच कर दिया और अब आ गया रफ मोड पे। तो मोड जैसे जैसे आप चेंज करोगे उस मोड के अकॉर्डिंग आपकी कार की परफॉर्मेंस में चेंजेस आएंगे, आपकी सस्पेंशन में चेंजेस आते हैं। बाकी भाई इसको फिर से वापस यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये रहा
डाउन हिल का शायद, और ये भाई यहाँ पे देख सकते हो दिस इज फॉर स्पोर्ट्स ड्राइव मोड भाई। मतलब ना ऐसा ऐसा चीज़ दिया गया ना भाई, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एक प्रॉपर पूरा का पूरा दिन बीत जाएगा आप इस गाड़ी के फीचर्स को समझने में आप बिता दोगे। अभी भी भाई कुछ कुछ टच करके सीखना चाह रहा है, समझना चाह रहा है कि गाड़ी में और क्या क्या फंक्शन मिला भाई। देखो शौक शौक में बंदे खरीद तो लेते हैं ना, बट बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है ना जब आप इसको ड्राइव करोगे, डे टू डे यूज़ करोगे, तभी जाकर समझ में आता है भाई इस कार के अंदर क्या क्या फीचर्स लोडेड है। तो ये इसको हम लोग नॉर्मल मोड पर डाल दिए भाई। मुझे बस एक चीज़ ख़राब लगा इस कार में, देखो मैं जो ख़राब है वो मैं बताता हूँ, वो इसे भी लगा है ना भाई, ये वाला जो पार्ट है ना भाई, इसको ना थोड़ा सा और बेहतरीन कर दिया जा सकता था। इसको देखो अभी हमने इसको डाला, पहले इसको पार्किंग से हटाओ, ये हमने किया इसको ड्राइव मोड पे, ठीक है। अगर हम इसे सीधा अगर डालना है मान लो रिवर्स मोड पे, तो पहले ये गाड़ी जाएगी नॉर्मल में फिर जाएगी रिवर्स पे, तो रिवर्स पे अभी चली गई। और अगर मुझे डायरेक्ट ड्राइव पे डालना है तो ये देखो ऐसे दबाए रखना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग होल्ड करने के बाद ही जा सकता है, तुरंत करने पे जैसे वन टैप पे नहीं आएगा, वन टैप पे न्यूट्रल गया, वन टैप पे रिवर्स गया। ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और ये रहा भाई ऑटो होल्ड। तो इसको कर देते हैं फिर से ऐसे ड्राइव मोड पे, तो ऐसे दबा के रखने पे ना बहुत जल्दी चला जाता है भाई। ये सारे इंटीरियर का जो लुक है, यहाँ पे ग्लास होल्डर है और इसके अंदर देख लो क्या है भाई, कुछ पैसा वैसा नहीं ना भाई, देखो फोन वोन रखा है भाई। यहाँ पे भी देख सकते हो टाइप सी और यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग, और ये रहा भाई 12 वोल्ट का, इसमें आप सिगरेट लाइटर पोर्ट्स वगैरह ये यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी मज़ेदार चीज़ है भाई। ग्लव बॉक्स का एक बार साइज़ दिखा दो इसका, ये चेक करो भाई, अभी इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखा हुआ है, तो भाई ग्लव बॉक्स का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, देख सकते हो गाड़ी के डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे, तो ये सब यहाँ पे रहने देते हैं। काफ़ी स्पेसियस है और ये पूरा लेदरेट है भाई, तो लेदर फील पूरे गाड़ी में भरा पड़ा है। इधर भी है ये वाला भी पार्ट देखो भाई, ये सब ना अभी आपको नहीं मज़ा आएगा, अगर दिखाऊंगा तो रात को समझ में आ गया भाई एक्चुअल में इंटीरियर कैसी है। आपको यहाँ पे JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, ये सब यहाँ आप देख सकते हो, JBL की बैजिंग की गई है। और ये रहा भाई मिरर को एडजस्ट करने का, इससे आप मिरर को एडजस्ट कर सकते हो, जस्ट हैव अ लुक। तभी हमने भाई एक और काले स्कॉर्पियो मंगा दिया आपके लिए भाई, जस्ट हैव अ लुक। ये रहा भाई अपना चलो बोला ना भाई, अभी इतनी गाड़ी हो गई ना ग्रुप में भाई, बाइक कोई नहीं खरीद रहा, सब लोग कार ले रहे हैं ना भाई। अब भाई यहाँ पे ना बाइक का क्रेज बिल्कुल अब खत्म सा होता जा रहा है, बट भाई मेरे अंदर नहीं खत्म होने वाला भाई, मैं भरपूर जोश में हूँ। अभी एक और तगड़ी बाइक आने वाली है बहुत ही जल्द भाई, इसके लिए आप लोग बस वेट करना थोड़ा टाइम, उसके बाद आपको भाई दिखाएंगे जरूर भाई। ये ऑटो वालों से ना बहुत डर लगता है भाई, ये कब कट करके किधर आ जाए ना पता ही नहीं चलता है। ये चेक करो, अभी थोड़ा देर ना चला चला कर हाथ बैठ गया ना, तो गाड़ी को मैं खींच के चला पा रहा हूँ, वरना भाई स्टार्टिंग में तो मेरे को डर लग रहा था, अबे यार ये रॉन्ग साइड में कहाँ से घुसाते भाई बंदे। तो अभी एक बार चेकआउट करो भाई, काली स्कॉर्पियो भी आ गई और काली सफारी दोनों लगी पड़ी है भाई, देख सकते हो भाई। ये लंबी ज़्यादा है, वो लंबी कम है, बाकी हाइट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम है भाई, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। उसके ऊपर ना रूफ रेल्स लगे जिसकी वजह से वो थोड़ी सी ऊंची लग रही होगी आपको, बाकी ओवरऑल लुक देख सकते हो भाई दोनों गाड़ियों की। अलॉयज की बात की जाए, इसके अलॉयज ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल लग रही है भाई, जहर बिल्कुल। तो अभी स्कॉर्पियो एंड भाई देखो काली वाली आ चुके, तो इसके साथ अभी करते भाई ड्रैग, देखते क्या होता रिजल्ट। चलो भाई साहब निकल गई स्कॉर्पियो एल, पूरा पंजा मैंने दबा दिया फिर भी निकल गई भाई, क्योंकि इस गाड़ी का वेट काफी ज्यादा रहा भाई। देखो 0-100 में तो स्कॉर्पियो एल आगे निकल जाएगी भाई, जस्ट हैव अ लुक, वहां रही स्कॉर्पियो एल। अभी कार देख लो 120 क्रॉस कर चुकी है, अब रोक लेते हैं भाई। निकल गई यार, मुझे लगा भाई ये निकलेगी, बट वेट का ना जो मैटर कर रहा है भाई यहाँ पे सबसे ज्यादा वो है भाई, पावर अब कितना भी डाल दो, जब वेट टू पावर रेशियो चेंजेस आते हैं ना, तो वहां पर रिजल्ट में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो भाई बहुत खुश होगा, अभी देखो ये देखो खुशी, इसकी खुशी दिखाओ भाई की एक बार भाई मेरा इनिशियल लेट से स्टार्ट हुआ था, एक बार फिर से करते आगे आ जाओ। अब हुआ टक्कर वाला भाई, अबे यार स्कूटी आ गया आगे ये दिक्कत है भाई यहाँ पे। चलो एक बार और खींचते हैं ये जानबूझ के ना मजाक चल रही है, वो देखो वो रही स्कॉर्पियो एन भाई, वो रही स्कॉर्पियो एन, और ये रही सफारी। क्या भाग रही है भाई, बिल्कुल अलग ही भाग रही है, पता अलग ही परफॉर्मेंस आ रही है इस कार की। मजेदार एक्सपीरियंस रहा भाई, बहुत ही मजेदार बिल्कुल। अब स्लो डाउन हो जाते भाई, काफी मजेदार आज फन हुआ हमारा, और थैंक्स टू भाई दिस बॉय, जिसकी वजह से हमने भाई आपको ये सफारी एक्सप्लोर करा पाया, मतलब अच्छे से दिखा पाया भाई इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स है। देखो जो भी ना भाई ज्यादा डिटेल्स में अपन नहीं जा रहे, जो प्रैक्टिकल चीज़ है भाई, जो आप डे टू डे में यूज करते हो उन सब चीज़ों पे जाते हैं। आपको मैंने इसका पैनोरमिक सनरूफ भी दिखा दिया भाई, ये चेक कर सकते हो भाई। क्या भाई
ब्रेक लेकर गए थे क्यों भाई? कोई बात नहीं भाई, आराम से। नहीं नहीं रहने देते, हो गया हो गया, ठीक है भाई, तुम विनर हो, विनर तुम्हारा ही है, मजाक कर रहे, रहने दो। भाई ने दिल पे ले लिया भाई, दिल पे नहीं लेने का, मस्ती मजाक चलते रहते हैं भाई, ये कोई सीरियस रेस नहीं हो रही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ गाइस, अंटिल देन बाय बाय, राइड सेफ, ड्राइव सेफ एंड स्टे होम, स्टे हैप्पी।